हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त पानी न्यूज़ से। देश में मॉब लिंचिंग का राक्षस अपना सर उठा रहा है। मॉब लिंचिंग का विरोध सड़क से लेकर संसद तक हो रहा है। स्टेट पावर को इसे जल्द से जल्द रोकना होगा। क्या देश की आज़ादी में गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, बहादुर शाह जफर, मौलाना आज़ाद जैसे वीरों ने अपनी जान निछावर इस दिन के लिए किया था कि झारखंड में तबरेज अंसारी को दो कौड़ी के उन्मादी लोग ज़बरदस्ती जय श्री राम और जय हनुमान बोलने के लिए मजबूर करें? जय तबरेज अंसारी को 17 जून की रात से लेकर 18 जून की सुबह तक बेरहमी से पोल में बांध कर मारा गया, पीटा गया, जिससे उसकी जान चली गई। मॉब लिंचिंग का शिकार अकेले तबरेज अंसारी नहीं हुआ है, बल्कि मॉब लिंचिंग के कारण दो लोग यूपी में भी मारे गए, महाराष्ट्र में 5, दिल्ली में 1, नागालैंड में 2, मेघालय में 8 और राजस्थान में खेताराम भील को धार्मिक उन्मादियों ने मौत के घाट उतार दिया। कोई भी सब समाज मॉब लिंचिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब हम लोगों को मुट्ठी भर सिर फिरे उन्मादियों के खिलाफ खड़ा होना होगा। मॉब लिंचिंग का कीटाणु फैलाने में हमारे भ्रष्ट नेतागण, कुछ संगठन, राजनीतिक पार्टियां और विशेष रूप से मीडिया का अहम रोल रहा है। विगत कुछ वर्षों से मीडिया देश के प्रमुख समस्याओं जैसे बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषित वातावरण, महिलाओं और छोटी छोटी बच्चियों के साथ होने वाले अमानवीय कार्यों, विकास दर में गिरावट, शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट में भारी कटौती, रुपए की कीमतों में गिरावट, विदेशी वादा बाजार में बढ़ता घाटा, किसानों की बदहाली आदि विषय पर चर्चा नहीं करते। मीडिया मुद्दा विहीन बातों पर प्रमुखता से अपनी रिपोर्टें पेश करता है, जैसे जादू टोना, भूत चुड़ैल, फिल्मी हीरो हीरोइनों के किस्से, फर्जी राष्ट्रवादी बातें, सत्संगों, धार्मिक सम्मेलनों के आयोजनों में हिंदू और मुसलमान नेताओं की उपस्थिति को मुख्य समाचार बनाता है। हमारे देश के कथाकथित राष्ट्रवादी पत्रकार मीडिया और मीडिया पत्रकार और मीडिया दोनों इतने रसातल में चले गए हैं कि कुछ कथाकथित बाबाओं और मौलानाओं को अपने चैनलों पर बिठाकर विभिन्न छोटी छोटी सामाजिक समस्याओं को, विवादों को सांप्रदायिक रूप दे देते हैं। पुलवामा में आतंकवादी हमले तथा भारतीय सेना के आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त करने की कार्रवाई को मीडिया ने जिस शर्मनाक तरीके से मुसलमानों तथा पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ आक्रोश पैदा करने का काम किया है, चक जाहिर है। अब वक्त आ गया है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और सभी देशवासी मिलकर संकल्प करें
के धर्म और जात के नाम पर नफरत फैलाने वाले सिर्फ फिरे जो मात्र मुट्ठी भर है उनका विरोध सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। अगर धार्मिक उन्मादी उन्माद फैलाने वालों पर नकेल नहीं कसा गया तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। जय हिंद।